मिसलेनियस से 15 क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। भारत में यूरो मानदंड किस वर्ष से लागू है? किस वर्ष से लागू है? ठीक है, किस वर्ष से लागू है? तो आप देखोगे 1 जून 1991। याद रखिए, भारत में यूरो मानदंड किस वर्ष से लागू है? तो 1 जून 1991 से लागू। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? वह है, ठीक है, तो देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? वह है तो लातूर, महाराष्ट्र, याद रख लीजिए। ठीक है, देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना बोले तो लातूर, महाराष्ट्र, याद रखिए। ठीक है, नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? ठीक है, मानव विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? ठीक है, तो त्वचा पर, याद रखिए, त्वचा पर, जी, सबसे पहले त्वचा पर। कौन सुमेलित नहीं है? बांदीपुर कर्नाटक, ये है। पेरियार अभयारण्य, ये भी है, है कि नहीं? बोलो जी, है या नहीं, फोकस कीजिए। अब आप देखोगे, ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है, लेकिन यहां पर तो होना चाहिए। आप देखो कौन सुमेलित है, सही कूट का चयन करें। अच्छा, सही कूट का चयन करें तो इसके हिसाब से 1-2 हो जाएंगे। ठीक है, दाचीगम का आप देख सकते हैं। पेरियार गेम अभ्यारण प्रसिद्ध है, ठीक है, तो पेरियार गेम अभ्यारण प्रसिद्ध है बाघों के लिए, बाघों के लिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संदर्भ में असंगत कथन चुने, असंगत कथन चुने, ठीक है, तो असंगत कथन चुने, तो आप देखोगे जजों का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित है, ठीक है, जजों का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित है, मतलब ये सही नहीं है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय हेड ऑफिस, इसका मुख्यालय द हेग है, जजों की संख्या 15 है, ये भी सही है, ठीक है। वर्तमान में भारतीय नवनाथन पिल्ले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कार्यरत हैं, याद रखिए, ठीक है, ये तो फिर करंट अफेयर पर फोकस करने का काम करेंगे, लेकिन याद रखिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो जज होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल नहीं होता है, कितना होता है आप कमेंट में जरूर से जरूर आंसर दें। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है, ठीक है, तो रोम, इटली, याद रखेंगे, ठीक है। राज्य मानवाधिकार आयोग संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, ठीक है, तो राज्य मानव अधिकार आयोग संरक्षण पारित किया गया 1993 में, 1993। यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध प्रथम जीव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है, तो यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध प्रथम जीव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है तो नीलगिरी, कौन है जी, नीलगिरी, याद रखने का काम कीजिए, कौन है, नीलगिरी, याद रखने का काम करेंगे, नीलगिरी। यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध प्रथम जीव मंडली आरक्षित क्षेत्र है नीलगिरी, ठीक है। नेक्स्ट, मेट्रोपोलिस नगर व्यवस्था की विशेषता है, मेट्रोपोलिस नगर व्यवस्था की विशेषता है, तो क्या है? मेट्रोपोलिस में नगर का कार्य बड़ा होगा, यहाँ कारखाने, शिक्षण संस्थान, व्यापारिक संस्थान स्थापित किए जाते हैं, इसका लगाव सुदूर क्षेत्रों से हो जाता है, मतलब मेट्रोपोलिस में ये सारी व्यवस्था देखने को मिलती है। नगरीय अधिवास की वह सूची जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है कहलाता है, ठीक है, मेट्रोपोलिस, क्या जी, मेट्रोपोलिस, या देखिए मेट्रोपोलिस, ठीक है, जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है मेट्रोपोलिस। G4 क्लब का संबंध किससे है, ठीक है, तो सुरक्षा परिषद में सुधार हेतु, सुरक्षा परिषद में सुधार हेतु, तो G4 क्लब का
संबंध, ठीक है, सुरक्षा परिषद में सुधार हेतु से आधुनिक ओलंपिक खेलों का आरंभ कब हुआ, ठीक है, तो देखोगे 1896 से लंदन का ब्लैक हिथ स्टेडियम प्रसिद्ध है, तो प्रसिद्ध है किसके लिए, तो आप देखोगे रग्बी फुटबॉल के लिए। तो ब्लैक हिथ स्टेडियम कहा, सबसे पहले याद रखे लंदन में, और किसके लिए फेमस है, तो रग्बी फुटबॉल के लिए फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट, लोरेंज वक्र विधि का निर्धनता निर्धारण में उपयोग है, ठीक है, तो असमानता की मात्रा की पहचान हेतु, असमानता की मात्रा की पहचान हेतु लोरेंज वक्र विधि ठीक है, विधि का निर्धनता निर्धारण में उपयोग है असमानता की मात्रा की पहचान हेतु। नेक्स्ट,